हाय फ्रेंड्स, आज कुछ कुछ भी कुछ नहीं कुछ भी नहीं, इसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में हम कैसे अलग अलग इस्तेमाल करते हैं आज सीखेंगे। कुछ इंग्लिश में फ्यू या सम, इसको कन्नड़ा में केलवु अथवा स्वल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो वाक्य के अनुसार इधर कुछ फ्यू या सम, इसको केलवु स्वल्प, कुछ कुछ भी, समथिंग एनीथिंग बोलना है। समथिंग में ज्यादा हम एनो का इस्तेमाल करते हैं, कुछ समथिंग एनो, आप एनादरू इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा एनो का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ समथिंग एनो, कुछ भी एनीथिंग, इसको एनादरू अथवा एनु बेकादरू का इस्तेमाल करते हैं। भाई कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, इधर कुछ या कुछ भी, इसको एनु का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर नहीं इल्ला, कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, एनु इल्ला, इधर एनु का कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, तो इधर कुछ या कुछ भी, इसको एनु का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्या, इसको एनु बोलते हैं, इधर हम छोटी उ मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनु, इधर एनु, इधर बड़ी उ मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इधर क्या एनु, इधर छोटी उ मात्रा, इधर एनु, इधर बड़ी उ मात्रा। कुछ फ्यू या सम, केलवु स्वल्प, वाक्य के अनुसार वही कुछ कुछ भी, इसको समथिंग एनीथिंग बोलना है। तो समथिंग ज्यादा हम एनो का इस्तेमाल करते हैं, आप एनादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा हम एनो का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी एनीथिंग, एनादरू अथवा एनु बेकादरू, वही कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, इसको एनु इल्ला, इधर एनु एनु इल्ला। फ्यू बुक्स, इधर फ्यू कुछ केलवु, बुक्स किताबे, इसको पुस्तक बोलते हैं, किताब एक वचन में, तो कन्नड़ा में पुस्तक, तो हिंदी में भी पुस्तक बोलते हैं, कन्नड़ा में पुस्तक, किताबे पुस्तके, इसको पुस्तक, हम बहुवचन में गलू का इस्तेमाल करते हैं, पुस्तक। फ्यू बुक्स, कुछ किताबे, केलवु पुस्तक। यदि बुक्स का इस्तेमाल करना है आप बोलेंगे केलवु बुक्स, केलवु पुस्तक अथवा केलवु बुक्स। फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल, इधर कुछ केलवु, सवाल इसको प्रश्नेगळु, प्रश्ने एक वचन में, प्रश्नेगळु बहुवचन में बोलते हैं। कुछ सवाल, केलवु प्रश्नेगळु, सम मनी, इधर सम कुछ, इसको स्वल्प, पैसे इसको आप दुड्डू या हना बोल सकते हैं, तो ज्यादा हम दुड्डू का इस्तेमाल करते हैं, हना हम अधिकतर पढ़ने लिखने क्वेश्चन में, किताबी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। आप इधर हना बोलना है, हेना नहीं बोलना है, यदि आप हेना बोल देंगे वो डेड बॉडी होता है, तो इसलिए इधर आपको हना बोलना है, तो इससे अच्छा आप दुड्डु का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पैसे, स्वल्प दुड्डु अथवा स्वल्प हना, इधर हेना नहीं बोलना है, हना बोलना है। सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या, इधर कुछ केलवु, समस्या इसको समस्यागलु बोलते हैं, समस्यागलु बहुवचन में, एकवचन में समस्या इसको समस्या बोलते हैं, बहुवचन में समस्यागलु। सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या, केलवु समस्यागलु। कुछ दिक्कत हो रही है, तो इधर कुछ स्वल्प, दिक्कत इसको तोंदरे बोलते हैं, तो डिफिकल्टी इसको कन्नड़ में तोंदरे, हो रही है आगुतिदे, आगुतिदे इसको हम बात करने का फ्लो बोलेंगे, आगतिदे, स्वल्प तोंदरे आगतिदे, कुछ दिक्कत हो रही है, स्वल्प तोंदरे आगतिदे। कुछ किताबे खरीदनी है, इधर कुछ केलवु किताबे पुस्तकगळु अथवा बुक्स, खरीदनी है कोंडकोबेकु, खरीदनी है कोंडकोबेकु, खरीदो कोंडको बोलते हैं, खरीदनी है कोंडकोबेकु। कुछ किताबे खरीदनी है, केलवु पुस्तकगळन्नु कोंडकोबेकु, इधर जब हम वाक्यों में बोल रहे हैं कुछ किताबें खरीदनी है, इधर केलवु पुस्तकगळन्नु, इधर लन्नु का इस्तेमाल करते हैं, पुस्तकगळु अन्नु पुस्तकगळन्नु अथवा बुक्स। कुछ किताबें खरीदनी है, केलवु पुस्तकगळन्नु कोंडकोबेकु अथवा केलवु बुक्स कोंडकोबेकु बोलते हैं। कुछ सवाल पूछना है, इधर कुछ केलवु सवाल प्रश्नेगळु पूछना है केळबेकु, कुछ सवाल पूछना है ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಮ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಫ್ಲೋ ಮೇ ಇದರ್ ನು ಜೋ ಹೈ ಹಮ್ ನಾ ಇಸ್ ತರಹ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಕುಚ್ ಸವಾಲ್ ಪೂಚ್ನಾ ಹೈ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು.
कुछ दे दो, इधर कुछ आप एनो अथवा एनादरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे दो कोडू, कुछ दे दो एनो कोडू अथवा एनादरो कोडू, कुछ भी दे दो तो कुछ भी इधर आप एनादरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी दे दो इधर दे दो कोडू, कुछ भी दे दो एनादरो कोडू, कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, इधर कुछ या कुछ भी हम एनो का इस्तेमाल करेंगे, नहीं चाहिए बेड़ा, कुछ नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए येनु बेड़ा बोलते हैं। कुछ पूछ लो या कुछ भी पूछ लो, इधर पूछ लो केड़ो, कुछ या कुछ भी येनादरू अथवा येनु बेकादरू, येनादरू केलू अथवा येन बेकादरू केलू बोलते हैं। इधर येनु बेकादरू इसको हम बात करने का फ्लो बोलेंगे, येन बेकादरू, येनादरू केलू अथवा येन बेकादरू केलू, कुछ मांग लो या कुछ भी मांग लो, इधर मांग लो इसको भी खेलो बोलते हैं। कुछ या कुछ भी एनादरू अथवा एन बेकादरू, एनादरू खेलो अथवा एन बेकादरू खेलो, कुछ सुन लो या कुछ भी सुन लो, इधर सुन लो इसको खेल इसको बोलते हैं। कुछ या कुछ भी एनादरू अथवा एन बेकादरू, एनादरू खेलो अथवा एन बेकादरू खेल इसको बोलते हैं। कुछ बोलो या कुछ भी बोलो, इधर बोलो हेलो, कुछ या कुछ भी ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳು, ಕುಚ್ ಕರ್ಲು ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಕರ್ಲು, ಇದರ ಕರ್ಲು ಮಾಡು, ಕುಚ್ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಇದರ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು, ಕುಚ್ ಬನಾಲೋ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಬನಾಲೋ, ಇದರ ಬನಾಲೋ ಇಸ್ಕೋ ಬಿ ಮಾಡು ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, ಕುಚ್ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಕುಚ್ ಖಾಲೋ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಖಾಲೋ, ಖಾಲೋ ಇದರ ತಿನ್ನು ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, ಕುಚ್ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನು, ಕುಚ್ ಪೀಲೋ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಪೀಲೋ, ಇದರ ಪೀಲೋ ಕುಡಿ, ಕುಚ್ ಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಏನಾದರೂ ಕುಡಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿ, ಇದ್ಯಾಕೋ ಇಸ್ತರ ಬೋಲ್ನ ಹೇ, ಕುಚ್ पूछ रहा है, पूछ रहा है हम एक वचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं, इसलिए इधर पूछ रहा है इसको खेलती दाने बोलते हैं। खेलती दाने ये पढ़ने एक क्वेश्चन में है, हम स्पोकन में बोलेंगे खेलती दाने, पूछ रहा है खेलती दाने, ये हो गया एक वचन पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बोलना है पूछ रही है तो खेलती दाड़े, इधर ने का जगह में हम ले का इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे खेलती दाड़े। वही हम आदर से नहीं तो बहुवचन में बोलेंगे पूछ रहे हैं तब ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೋಲ್ತೆ, ಇದರ ನೇಕೆ ಜಗ ಮೇ ಹಮ್ ರೇಖಾ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕರೆಂಗೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಸೆ ನೈತೋ ಬಹುವಚನ ಮೇ। ಇದರ ಕುಚ್ ಹಮ್ ಏನೋ ಕಾ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ, ಕುಚ್ ಪೂಚ್ ರಹಾ ಹೇ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಹೋಗ್ಯಾ, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಹೋಗ್ಯಾ, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಮ್ ಆದರ್ಸೆ ನೈತೋ ಬಹುವಚನ ಮೇ। ತೋ ಇಸಿ ತರ ಕುಚ್ ಮಾಂಗ್ ರಹಾ ಹೇ, ಮಾಂಗ್ ರಹಾ ಹೇ ತೋ ಇಸ್ಕೋ ಭಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, कुछ मांग रहा है ये नो खेलतीदाने। तो इसी तरह आप स्त्रीलिंग में आप आदर से इस्तेमाल कर सकते हैं, आदर से नहीं तो बहुवचन में। कुछ मांग रहा है ये नो खेलतीदाने, कुछ सुन रहा है इधर सुन रहा है खेलसी कोल्लुतिदाने बोलते हैं। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप यदि प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप सीख सकेंगे। सुन रहा है खेलसकोल्लुतिदाने बोलेंगे, खेलसकोल्लुतिदाने, खेलसकोल्लुतिदाने ये पुलिंग में हो गया। स्त्रीलिंग में बोलेंगे सुन रही है केल्सकोळ्तिद्दाळे, इधर ले का इस्तेमाल करेंगे। अरे आदर से नहीं तो बहुवचन में सुन रहे हैं केल्सकोळ्तिद्दारे, केल्सकोळ्तिद्दाने एकवचन में पुलिंग में, केल्सकोळ्तिद्दाळे स्त्रीलिंग एकवचन में, आदर से नहीं तो बहुवचन में केल्सकोळ्तिद्दारे। कुछ सुन रहा है इधर कुछ एनो, कुछ सुन रहा है एनो केल्सकोळ्तिद्दाने। कुछ बोल रहा है इधर बोल रहा है हेल्तिदाने, हेलुतिदाने इसको बोलेंगे हेल्तिदाने। कुछ बोल रहा है येनो हेल्तिदाने, कुछ कर रहा है, कर रहा है मारतिदाने बोलते हैं, कुछ कर रहा है येनो मारतिदाने। कुछ बना रहा है तो इसको भी येनो मारतिदाने बोलते हैं। कुछ खा रहा है, खा रहा है तिंतिदाने, तिन्नुतिदाने इसको बोलेंगे तिंतिदाने। कुछ खा रहा है येनो तिंतिदाने, कुछ पी रहा है, पी रहा है कुड़ितिदाने, कुछ पी रहा है येनो कुड़ितिदाने। यदि नेगेटिव सेंटेंस में बोलना है
कुछ नहीं पूछूंगा या कुछ भी नहीं पूछूंगा। इधर कुछ या कुछ भी हम येनु का इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ या कुछ भी येनु, आप येननो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, येनु अथवा एननो। येननो अधिकतर हम पढ़ने लिखने के अवसर में इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन में ज्यादा येनु। नहीं पूछूंगा केलला, कुछ नहीं पूछूंगा या कुछ भी नहीं पूछूंगा येनु केलला अथवा येननो केलला। कुछ नहीं मांगूंगा या कुछ भी नहीं मांगूंगा, इधर गलती से लो का टाइप हो गया है। इधर नहीं मांगूंगा इसको भी केलला बोलते हैं। कुछ नहीं मांगूंगा या कुछ भी नहीं मांगूंगा येनु केलला। कुछ नहीं सुनूंगा या कुछ भी नहीं सुनूंगा, इधर नहीं सुनूंगा केल्स कोलला बोलते हैं, केल्स कोलला। कुछ या कुछ भी इधर येनु, कुछ या कुछ भी नहीं सुनूंगा येनु केल्स कोलला अथवा येननु केल्स कोलला भी आप बोल सकते हैं। कुछ या कुछ भी नहीं बोलूंगा, इधर नहीं बोलूंगा तो हेलला। कुछ या कुछ भी येनु, येनु हेलला बोलते हैं। कुछ नहीं करूंगा ये कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा माडला बोलते हैं। ये कुछ या कुछ भी येनु, येनु माडला। कुछ नहीं बनाऊंगा ये कुछ भी नहीं बनाऊंगा, तो इधर नहीं बनाऊंगा इसको भी माडला बोलते हैं, येनु माडला। कुछ नहीं बनाऊंगा या कुछ भी नहीं बनाऊंगा येनु माडला। कुछ नहीं खाऊंगा या कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा इसको तिन्नला बोलते हैं। कुछ या कुछ भी येनु, येनु तिन्नला। कुछ या कुछ भी नहीं पीऊंगा, इधर नहीं पीऊंगा कुड़ियला। कुछ या कुछ भी येनु, येनु कुड़ियला अथवा येनन्नु कुड़ियला, इधर सब आप येनन्नु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। येनन्नु अधिकतर हम पढ़ने के लिए क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन में ज्यादा येनु का इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आने वाला क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में सीखेंगे। फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।